हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर जो चैप्टर आपका है ट्राइंगल्स, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिले हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। पहले आपको टॉपिक समझाया हुआ है, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स के बारे में आपको यहाँ बताया गया कि ट्राइंगल क्या होते हैं। आपको पता है कोई भी एक थ्री साइडेड पॉलीगन होता है जिनमें साइड तीन होती हैं, तो पता ही है आपको कि तीन साइड्स होती हैं उसमें। तो एक ट्राइंगल यहाँ पर आपको ये बना के दे रखा है जिसमें तीन वर्टेक्स होती हैं, मतलब कि कोने, तीन साइड हो गई और तीन एंगल हो गई। ये तीनों चीज़ आपको यहाँ लिख के दी हैं। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये भी आपने जाने हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का ज़रूर होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एंगल्स जो है वो 90 से बड़े होते हैं, मतलब एक एंगल 90 से बड़ा होगा कोई भी एक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लेट्स प्रैक्टिस में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। अ डैश ट्राइंगल हैज़ ऑल साइड ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, वो कौन सा ट्राइंगल होता है? स्केलन ट्राइंगल, कि तीनों साइड अलग होती हैं। नेक्स्ट, अ डैश ट्राइंगल हैज़ ऑल एंगल्स लेस देन 90, जिसके सारे 90 से छोटे एंगल्स होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं। थर्ड वन इज अ डैश ट्राइंगल हैज़ वन एंगल ऑफ 90 विच इज कॉल्ड राइट एंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्लियर? नेक्स्ट है अ डैश ट्राइंगल हैज़ टू इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट, अ डैश ट्राइंगल हैज़ वन एंगल ग्रेटर देन 90 है, तो कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्राइंगल। अ डैश ट्राइंगल हैज़ थ्री इक्वल साइड्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसी की तीनों इक्वल साइड्स होती है। क्लियर है? तो एक बार ये सारी डेफिनेशन से एक बार देखना, उसके बाद आप ये फिल इन द ब्लैंक्स खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और तीन चार क्वेश्चन और हैं, लेट ये इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी चैप्टर के, वो भी आपको इसी चैप्टर इसी चैनल पे मिलेंगे, तो आप उन्हें भी यहीं से कवर कर सकते हैं। थैंक यू।